हेलो गाइस, आज हम चेक करने वाले हैं क्या जून सोलर दो प्लेट से ये 200 AH का बैटरी फुल चार्ज हो पाएगा। ये देखिए, एल्यूमिनियस का 200 AH टूल टोबलर C10 बैटरी है, और ये सोलर इन्वर्टर एल्यूमिनियस का NXG 1400, जो कि अभी 8 बजे हैं। अब ये सोलर से चार्ज हो रहा है, और मैं आपको पैनल भी दिखा देता हूँ छत पे जाके, और मैं आपको अभी बैटरी का वोल्टेज भी चेक करके बताता हूँ, और पैनल का एम्पेयर चेक करके बताता हूँ, और बैटरी का भी परसेंट बता देता हूँ। और शाम तक मैं आपको ये भी दिखाऊंगा क्या फुल चार्ज कर पाएगा। ये पूरा डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये अभी पहले हम आपको पैनल दिखाते हैं छत पे, चलिए आइए। और छत पे जाने से पहले मैं आपको एक बार इसका वोल्ट चेक करवा देता हूँ। वोल्ट के लिए हम ये हमारा ये टूट गया है वायर, तो हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। ये हम उसको वोल्ट पे, ये देखिए, हमने इसको 20 वोल्ट पे सेट कर रखा है, और ये रेड वायर, ये मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखिए, यहाँ मीटर है, मल्टीमीटर, और ये ब्लैक वाला मैं इस पर टच कर रहा हूँ, ये माइनस, और ये रेड प्लस। ये देखिए, मैं ब्लड पे टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ देखिए 13.17 वोल्ट आया है, जो कि ये अभी बैटरी का हम चेक कर रहे हैं। तो हमारा सोलर एनर्जी भी ऑन है, ये मतलब सोलर का पावर आ रहा है। सो ये 13.17, ये बैटरी का रियल वोल्ट नहीं है, ये पैनल का है। तो मैं पैनल खोल के वो चेक करा दूंगा कि कितना सही में इसका अभी वोल्ट है, उससे पर ये भी पता चल जाएगा कितना परसेंट चार्ज है। तो चलिए, मैं आपको पैनल दिखाता हूँ, साथ साथ उसका वोल्ट एम्पियर चेक करके बताता हूँ, फिर आके मैं बैटरी का वोल्ट भी चेक करके बता देता हूँ कितना चार्ज है, वो भी दिखाता हूँ। चलिए, ये छत पे, और अभी हमारा कुछ लाइट ऑन है, जैसे मंदिर का हो गया, ये हॉल का हो गया, वो किचन का हो गया, और रूम का 3-4 लाइट ऑन है, ये मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। और हमारा रूम का लाइट कुछ कुछ ऑन है, जैसे कि इस रूम का लाइट हो गया। चलिए, मैं आपको छत, ये हम छत पे पहुंच गए, ये हमारा सोलर का वायर गया जो नीचे से आया है, DC वायर। ये रहा हमारा जून सोलर का दो प्लेट। तो आज हम ये चेक करने वाले हैं कि यह दो प्लेट से आज फुल चार्ज करेंगे, देखते हैं कि फुल चार्ज होता है कि नहीं। अभी मैं आपका बैटरी का परसेंट चेक करके बता देता हूँ, और नीचे जाके पहले यहाँ पे मैं MC4 कनेक्टर खोल दूँगा, तभी प्रॉपर बैटरी का वोल्ट और परसेंट बता पाऊँगा कितना परसेंट है, कितना रियल वोल्ट है, कितना चार्ज है, वो भी पता चल जाएगा। और फिर आज हम मेंस ऑफ रखेंगे, जैसे कि अभी ऑफ देखे थे, ऑफ है अभी मेंस, उसे ये पता चल जाएगा कि सोलर से कितना चार्ज हो रहा है, क्योंकि अभी सब सोलर से ही लोड घर का और चलेगा, और घर का बैटरी भी चार्ज होगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ का अभी का एम्पियर, और सुबह का 8 बजे एम्पियर और वोल्ट भी चेक करा देता हूँ। वैसे तो पिछली वीडियो में आपको एम्पियर वोल्ट चेक करा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में दिखा देता हूँ, और बैटरी का भी वोल्ट आपको चेक करके बताता हूँ। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर, तो हम इसको यहाँ देखिए, MC4 कनेक्टर, ये वायर है दोनों पैनल का, ये जून सोलर का ब्रांडिंग नीचे में भी है, और ये 180 वाट का वो पैनल है, जिसमें तो ये थोड़ा सा पतला वायर दिया है, ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है, जो कि मैं खुद से ही इसमें वायरिंग किया था, ये टैप खुल गया थोड़ा मेरा से, खुद से वायरिंग किया था, ये मैंने खुद से सोल्डरिंग किया था किसी और ख़राब सोलर पैनल से, ये लेके वायर सही था, और ये सब तो मैं ऑनलाइन मंगाया था। चलिए, मैं आपको पहले एम्पियर चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने खोल रखा, खोल लिया है दोनों, प्लस माइनस का, ये देखिए रेड वायर प्लस है, ये 4 स्क्वायर का 4 स्क्वायर mm वायर है दोनों, और ये खुल गया है। सो मैं आपको एम्पियर पे सेट कर लेता हूँ, ये एम्पियर, ये 10 दिख रहा है यहाँ पे, 10 पे एम्पियर सेट होगा, ये 10 पे मैं सेट कर रखा, और ये वायर जो है ना, ये वोल्ट से खोल के एम्पियर में आ जाएगा, ये मैं एम्पियर में डाल रखा, और यहाँ मैं ये
रेड साइन दिख रहा है, ये हो गया प्लस का, और यहाँ प्लस भी लिखा है, ये देखिए, इसी में प्लस डाल देता हूँ, और हो गया माइनस, माइनस का मैं इसमें डाल लेता हूँ, यहाँ मल्टीमीटर में आप देखिए, यहाँ देखिए हमारा तार जो था इसमें ये पूरा मेल्ट होने लगा था, ये पूरा गर्म हो रखा है क्योंकि एम्पियर ज़्यादा देर चेक नहीं होता है, थोड़ा सेकंड के लिए, 3-4 सेकंड के लिए एम्पियर चेक कर सकते हैं क्योंकि ये 10 एम्पियर तक का ही मल्टीमीटर है और वायर भी बहुत पतला है। तो अभी देखा अपने 7 एम्पियर तक ये आ रहा है, सूरज का अभी धूप भी दिखाता हूँ आपको कितना धूप है, ये देखिए 8 बज चुका है, ठीक ठाक धूप आ गया है पैनल पे और दोनों पैनल मिला के 7 एम्पियर तक आ रहा है। तो मैंने आपको एम्पियर चेक करा दिया, 7 एम्पियर तक आ रहा है। अब मैं आपको इसका वोल्ट भी चेक करा देता हूँ, दोनों का वोल्ट एक साथ। ये रहा हमारा वोल्ट का, मैं इसको वोल्ट पे वापस सेट कर लेता हूँ, मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया और ये मैं वोल्ट वाला में डाल देता हूँ, और ये हमारा वायर रहा, ये मैं प्लस में ही डाल देता हूँ, और ये हमारा माइनस का, ये देखिए 20.9 वोल्ट आ रहा है, ये भी 8 बजे 20.9 वोल्ट तक आ रहा है। ये प्रॉपर धूप में जब मैंने इसको चेक किया था एक बार तो ये 23 वोल्ट तक आ रहा था और ये 22 वोल्ट तक आ रहा था। ये 180 वाट का जून सोलर का प्लेट है मोनो पैनल, और ये 200 वाट का जून सोलर का मोनो पैनल, और जिसमें कि 200 वाट में 4 सेल जाता है, जो कि डायमंड कट इसमें नहीं दिया गया है, फिर भी ये मोनो पैनल है। मैंने ऑर्डर तो डायमंड कट ही किया था लेकिन मुझे धोखे से ये बिना मोनो कट का दे दिया, जो कि मुझे धोखे से ये मोनो कट तो दिया है लेकिन डायमंड कट नहीं दिया है। यहाँ पे डायमंड कट होता जो कि ये सेल कट होता है, यहाँ पे हल्का कट होता है, ये कट होता है, ये यानी कि यहाँ पे एक मोनो कट आपको मैं पिक्चर में दिखा दूंगा कैसा होता है, जो कि ज़्यादा एम्पियर निकालता है मोनो कट, जो कि डायमंड कट मोनो, तो ये मोनो है ही, ब्लैक ये दिख रहा है ब्लैक पैनल, ये मोनो है, और पॉली होता है ब्लू पैनल, जो कि पॉली बहुत कम एम्पियर निकालता है। तो ये एक टाइप से मुझे पॉली इसको कहा जाए, क्योंकि मोनो जो होता है ना वो 200 वाट का 9.5 एम्पियर तक निकलता है, इसमें लिखा भी है 9.5 एम्पियर तक, मुझे 9.5 एम्पियर दे नहीं रहा है, ये प्रॉपर धूप में भी 7 एम्पियर तक ही दे रहा है। अभी तो दोनों 8 बज रहे हैं तो दोनों का एक साथ चेक किए तो 7 अभी निकला है, ये प्रॉपर धूप भी आएगा 12 बजे फिर भी हमको ये करीब 14 एम्पियर तक ही देगा। तो आपने यहाँ का दोनों का भी 8 बजे का देख लिया कि कितना एम्पियर दे रहा है, दोनों मिलकर 7 एम्पियर और वोल्ट 21 वोल्ट 20.9 वोल्ट दे रहा है। मैं आपको बैटरी का परसेंट चेक कर बताता हूँ और बैटरी का वोल्ट भी चेक करके बता देता हूँ। आइए हम नीचे चलते हैं, अब मैं इसको अभी खुला रख देता हूँ क्योंकि अभी मैं इसको ज्वाइंट करूँगा तो फिर यहाँ का सोलर का ही वोल्ट आएगा वहाँ पे, तो मैं अभी बैटरी का चेक करूँगा इसलिए यहाँ पे अभी ऐड नहीं करता हूँ, बाद में पहले चेक करके ऐड करूँगा। चलिए हम नीचे चलते हैं, अब ये देखिए मैं बैटरी पे आके सेट कर रखा हूँ, यहाँ पे 12.56 तक जाता है, ये थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से दबाया हूँ, एक हाथ से वहाँ पे टच है वहाँ पे, मतलब ये 12.56 से 12.60 तक जाता है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लगा देता हूँ, देखिए 12.56 वोल्ट जाता है ये बैटरी का। ये देखिए अभी सोलर का कोई नहीं आ रहा है, सोलर का कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब अभी सोलर पैनल जो हम खोल रखे थे
वो अभी खुला हुआ है। सोलर का ये वोल्ट नहीं है, बैटरी का वोल्ट हमने चेक किया अभी। इससे पहले जो चेक किए थे वो सोलर का वोल्ट आ रहा था यहाँ पे, अभी सोलर का कोई कनेक्शन नहीं है। सो यहाँ पे ये बैटरी का वोल्ट आपने चेक देख लिया, 12.56, यानी कि बैटरी का भी मेरा 98% चार्ज है। तो ये रात में मैंने मेंस ऑन किया था इसलिए अभी इतना चार्ज है, और अभी 7 एम्पियर से आ रहा है। धीरे धीरे मेरा पैनल 14 एम्पियर तक जाएगा, तो दिन का जो भी लोड चलेगा, टीवी, फैन, बल्ब, उससे ये पता चल जाएगा कि मेंस ऑफ रहेगा कि ये कितना बैटरी परसेंट खाया है, कितना लूज हुआ है, सॉरी ये कितना लॉस हुआ है बैटरी। तो हम आपको एक बार शाम में चेक करके बता देंगे कि प्रॉपर ये कितना परसेंट बचा है शाम तक में। यदि हमारा ये 98-100% रिचार्ज होगा तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जून सोलर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। सो मैं आपको बाद में शाम में दिखाता हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहें।